नमस्कार दोस्तों, द केरल स्टोरी इस समय बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। पठान के बाद यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली दूसरी हिंदी फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर लगे 18 दिन और विवादों के बावजूद फिल्म अभी भी दर्शकों को सिनेमा घरों में आकर्षित कर रही है। फिल्म की कहानी केरल के 32,000 हिंदू महिलाओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने के अपने संदिग्ध दावे पर विवादों में फंस गई थी, लेकिन फिर भी दर्शक इसे देखने बड़ी उत्सुकता से सिनेमा घरों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में फिल्म की स्टार कास्ट से लेकर इसके निर्माता इस समय इसकी सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं। इसी बीच अदा शर्मा ने भारतीयों को उनके प्यार के लिए आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में फिल्म पर प्रतिबंध और तमिलनाडु के मल्टीप्लेक्स मालिकों का फिल्म को प्रदर्शित करने से इनकार करने के बावजूद भी द केरल स्टोरी बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अदा शर्मा भी फिल्म की रिलीज के साथ ही सुर्खियां बटोरने लगी थी। अदा फिल्म को लेकर लगातार अपने विचार शेयर करती रहती है। इसके साथ ही अभिनेत्री ने द केरल स्टोरी को मिल रहे प्यार और समर्थन के लिए भी फैंस को धन्यवाद कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। इसी क्रम में हाल ही में अदा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से दर्शकों के लिए संदेश लिखा है। अदा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म को एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए भारतीय जनता को बधाई देते हुए एक दिल छो लेने वाली नोट लिखा है। अभिनेत्री ने यह भी शेयर किया कि उन्होंने थिएटर में अपनी फिल्म देखने के लिए बंगाल से असम जाने वाले लोगों का वीडियो भी देखा। फिल्म की कुछ तस्वीर शेयर करते हुए अदा ने लिखा, भारतीय जनता को बधाई, आप सभी को बधाई जिन्होंने होर्डिंग्स लगाए, पेंटिंग की, वीडियो पोस्ट किए, प्रचार किया, राज्यों में यात्रा की, थिएटर्स में टिकट देखने के लिए बंगाल से असम तक बस में सफर किया। आपकी फिल्म द केरल स्टोरी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर है। अपनी सफलता में मुझे शामिल करने के लिए धन्यवाद। अदा शर्मा आगे लिखती है, यह देखकर खुशी हुई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी द केरल स्टोरी इतने लोगों के दिलों को छू रही है। इसे ब्रिटेन में रिलीज हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देश आपके संदेश भी पढ़ रहे हैं। आपको बता दें, अदा शर्मा ने इससे पहले कमांडो 2 और कमांडो 3 जैसी फिल्मों में काम कर रखा है, लेकिन उन्हें जो सफलता का स्वाद द केरल स्टोरी से चखने को मिला वह किसी से भी नहीं मिला है। अदा शर्मा के अलावा द केरल स्टोरी में योगिता बिहानी, सिद्धि, सोनिया, विजय, कृष्णा, प्रणय और प्रणव मिश्रा भी अहम भूमिका में है। विवाद पस्त फिल्म का निर्देशन सुतिब्दो सेन द्वारा किया गया है और फिल्म का निर्माण विपुल शाह के बैनर सन साइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत किया गया है। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।